स्वागत है आपका एक बार फिर। आखिरी सौदा, बाजार लगातार कमजोर होते हुए और 5175 के आसपास फिलहाल थोड़ा सा थमते हुए नजर आया था निफ्टी, वहां से देखिए करीबन 15 पॉइंट का उछाल भी आया है 5190 के करीब। लेकिन खास तौर पे नजर है इस बात पे कि अब जो अटके हुए फैसले थे चुनाव होने के बाद, सबसे अहम बात थी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की, जो काफी इमीडिएट फैसला लिया जा सकता है ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी भी आप देखें तो मार्केट काफी निराश है कि 4 तारीख को पोलिंग खत्म होने के बाद दाम बढ़ने की उम्मीद थी, आज तक 7 तारीख हो गई है, नतीजे आ गए हैं, सरकार बनने की तैयारी है, फिर भी दाम नहीं बढ़ पाए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम शायद बढ़ेंगे, हालांकि बाजार अभी इस तरह से पोजीशन नहीं है क्योंकि HPCL, BPCL, IOC सभी कमजोर हैं 2.5% से लेकर 5% तक। लेकिन सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बीच रस्साकशी चल रही है, इस पर तेल कंपनियों की बैठक होने वाली है, अगर कंपनियों की बात मान ली गई तो पेट्रोल 5 रुपए लीटर तक महंगा हो सकता है। अपडेट लेते हैं अपने संवाददाता लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण बताइए, अब तो कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आ रही, चुनाव तो पूरे हो गए, नतीजे भी आ गए, अब क्या दिक्कत है दाम बढ़ाने में? बिल्कुल, हर कोई इसी संभावना में था कि चुनाव आने के तुरंत बाद, चुनाव के तुरंत बाद जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी और सब इसी उम्मीद में बैठे थे। लेकिन अब जो निकल के बातें सामने आ रही हैं कि चुनाव के बाद भी सरकार इस दुविधा में फंसी है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने दिया जाए या ना बढ़ने दिया जाए, इस मुद्दे पर कई दौर की बैठकें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हो चुकी है। और तेल कंपनियों का साफ तौर से कहना है कि उनको 5 रुपये से ज़्यादा का नुकसान प्रति लीटर पेट्रोल पर हो रहा है और हर रोज़ करीब 465 करोड़ रुपये का उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर वो कीमतें नहीं बढ़ने देना चाहती सरकार तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सरकार का एक तरफ से इशारा है कह सकते हैं, चूंकि डिकंट्रोल है तो सरकार सही तौर से नहीं कह सकती है, इशारा इस बात को लेकर कि बजट सत्र तक और अगर वो रुक सकते हैं तो रुक जाए पेट्रोल कंपनियां। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का साफ तौर से कहना है कि अगर बजट सत्र तक रुका जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बजट सत्र आमतौर पर मार्च के आखिर तक चलेगा और मार्च के आखिर तक अगर ये दाम नहीं बढ़ाती हैं और ये जो 465 करोड़ रुपये का रोजाना का नुकसान हो रहा है तो इनके लिए बैलेंस शीट इनका काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा। इस कारोबारी साल को खत्म होने के बाद इनके लिए नुकसान को बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा और ये कंपनियों के सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और जब से इन्होंने पिछली बार दाम के रिवीजन किया उसके बाद से लेकर के अब तक उन्हें करीब 109 रुपये प्रति बैरल था, उस टाइम उन्होंने पिछला रिवीजन किया था, वो बढ़कर करीब $130 प्रति बैरल हो चुका है। इससे माना जा रहा है कि अब उनको हर रोज जो नुकसान हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। हालांकि कीमतें बढ़ाने की गुंजाइश LPG में भी है, डीजल में भी है, लेकिन यहाँ पे कहना है कि अगर सरकार चाहे तो सब्सिडी दे दे हमें, हम उसके दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ने लगभग तय माने जा रहे हैं। इस बारे में आज शाम भी एक बैठक होने वाली है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की, माना जा रहा है इस बैठक के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और इस बात की संभावना लगभग पूरी दिख रही है कि बजट सत्र से पहले भी पेट्रोल के दाम बढ़ जाए। होली तक, खासकर कल तक रुक सकते हैं बहुत से बहुत, लेकिन उसके बाद रुकना ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए मुश्किल होगा और 5 रुपये लीटर तक पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो बाजार फिलहाल काफी निराश है कि फैसला नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए आप देख सकते हैं सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कमजोर हैं, इन पर हम एनालिस्ट की राय आपको आगे देंगे। लेकिन दूसरी नजर है हमारी इस वक्त वो है फॉरेक्स मार्केट पे, क्योंकि रुपया 50 के नीचे गिरता हुआ नजर आया और आज लगातार दूसरा दिन है कभी भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ अब इंडिया फॉरेक्स के CEO अभिषेक गोयनका जुड़ रहे हैं इस पर अपनी राय देने के लिए। अभिषेक, लगातार 5वें दिन यहाँ पर हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं फिलहाल, और ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो सभी के दिमाग में यह सवाल है कि आगे अब क्या तस्वीर उभरती हुई नजर आएगी, क्या 54 की तरफ हम वापस लौटते हुए देख रहे हैं जो स्थिति पहले थी जबकि दिसंबर के मिड में RBI ने एक्शंस लिए थे, क्या वापस से वही लेवल्स नजर आ सकते हैं? 54 के लेवल्स बोलने डिफिकल्ट होंगे इस समय, मगर अगर ऐसा है कि मार्केट 50 रुपये 70 पैसे का जो रेजिस्टेंस है जो आज मार्केट ने बनाया है वो अगर रेजिस्टेंस तोड़ दे तो नेक्स्ट टारगेट डेफिनेटली 52.10 का बन रहा है मार्केट में इस समय। एंड जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं इस समय वो दिन पे दिन डिटोरिएट होते जा रही है। हमारी ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिशिट, हमारी फिस्कल डेफिशिट, साथ साथ में जो हमारे फ्लोज भी हैं वो काफ़ी स्लो डाउन सी हो रही है, एंड ओवरऑल जो इलेक्शन में हुआ वो मार्केट ने रिफ्लेक्ट किया। आई थिंक रुपी शुड मेंटेन वीकनेस एंड कोई भी डिप में इंपोर्टर्स को मार्केट में बाय करना चाहिए। इसमें कितने टेक्निकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 54 से 48 का भाव देखते हैं तो एक टेक्निकल बाउंस बैक होता है, तो वो टेक्निकल बाउंस बैक किस लेवल तक है और अब आपको क्या लगता है? अगर टेक्निकली हम बात करें तो जो रैली चालू हुई थी 44 से जो 54 तक गई, उस रैली का 50% रिट्रेसमेंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली एट 48.50 शार्प। अब अगर हम जो रिसेंट रिट्रेसमेंट अगर हम लगाएं तो मार्केट में जो लेवल आ रही है वो इस समय आ रही है 50 रुपये 70 पैसे की, जो आज की रेजिस्टेंस थी वो अराउंड 38.2% रिट्रेसमेंट थी, और सेकेंड लेवल जो है वो अराउंड
52.10 रुपए की आ रही है। तो मेरी ये फीलिंग बन रही है मार्केट में कि अगर मार्केट में फ्लोज बहुत तेजी से नहीं आई और FCCB की रिडेम्पशंस एंड साथ साथ में जो बाकी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, रेटिंग्स है इंडिया की, वो अगर इसी तरह खराब चलती रही तो शायद 52 का लेवल ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अभिषेक, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जैसे कि कुछ बैंक्स हैं जो हाल में उन्होंने फॉरेन करेंसी नोट्स उठाए हैं, कुछ कंपनीज हैं REC जैसी जो कि चाहती हैं कि वो कुछ फंड रेज करें ग्लोबल मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि केवल रिडम्पशन की वजह से पैसे जाने ही वाले हैं और ग्लोबल मार्केट कुछ ईज हुए हैं, तो इस बार फेयरली ये मानना ठीक होगा कि 52 के आसपास का ही सिनेरियो बेहतर है, ना कि आप फिर वापस से 54 सोचें और पैनिक करें? देखिए, 54 की लेवल के लिए हमें पहले बजट का वेट करना पड़ेगा। 52 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 52 ज़्यादा दूर नहीं है, 1.30 रुपए के डिफरेंस है आज की लेवल से। 54 जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये फिस्कल डेफिशिट फ्रंट पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्फ्लेशन फ्रंट पे क्या कर रही है, एंड वो हमें मेरे ख्याल से मॉनिटरी पॉलिसी एंड बजट के बाद काफ़ी क्लैरिटी आएगी। अगर उसके पहले मार्केट 52 के लेवल्स तोड़ देता है तो डेफिनेटली हम 54 की तरफ बढ़ रहे हैं, बट इस समय 48 के नीचे के जो लेवल्स जो मार्केट में एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे, हमारी भी बात हुई थी पहले 49 पे जब हमने 51 का व्यू दिया था, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 48 का लेवल जल्दी टूटना चाहिए मार्केट में। मार्केट में बेरिशनेस है और साथ साथ में हमें यह भी देखना होगा कि RBI इस समय मार्केट में ज़्यादा नहीं है, इवन दो द ऑयल प्राइसेज आर हिटिंग ऑल टाइम हाई इन रिसेंट पास्ट, एंड जिस हिसाब से लिक्विडिटी इतनी कम है मार्केट में और डॉलर रुपये की पूरी वॉल्यूम ही कम है मार्केट में, उसके बावजूद भी अगर रुपये वीक जा रहा है और RBI मार्केट में नहीं है तो हमें मार्केट से क्यों लेना चाहिए, एंड वी शुड बाय ऑन डिप्स। ये जो पूरी रैली हुई थी आपने देखा था, इसके पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों का बड़ा हाथ था, 37,000 करोड़ जनवरी फरवरी में आए। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिक्विडिटी थोड़ा सा स्लो हो जाएगी जो रुपये पर इस तरह का प्रेशर बनाएगी? डिबेट इसी चीज़ की है कि सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंडिया में और इंटरनेशनली काफ़ी पॉजिटिव नहीं है। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करने की है, वो है जापानीज येन जो करीब करीब 76-78 के लेवल्स पे मूव कर रहा था ओवरऑल, वो जापानीज येन करीब करीब 80-82 के लेवल से पहुंच गया है, जो हमें पहली इंडिकेशन दे रही है कि डॉलर की स्ट्रेंथ रिज्यूम कर रही है इंटरनेशनली, फॉलोड बाय वेरी गुड डेटा फ्रॉम द US इन फॉर्म ऑफ GDP, वेज बुक, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। तो एक US डॉलर में एक स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है इंटरनेशनली, डॉलर इंडेक्स मुझे करीब करीब लग रहा है कि 82 के नज़दीक मूव करना चाहिए। गोल्ड में बहुत बड़ी करेक्शन आई है जैसे हमने देखा, साथ में मेटल्स में भी करेक्शन है, तो ओवरऑल एक रिस्क एवर्जन की सिनेरियो मार्केट में डेवलप हो रही है। इवन दो वी हैव सीन की भी जो इनकी EPCF फंड थी, इन्होंने $1 trillion का फंडिंग अलाउ किया, उसके बाद यूरो फॉल हो गया इंस्टेड ऑफ गोइंग अप। तो अगर यूरो इस तरह से गिरते रहता है, डॉलर इंडेक्स बढ़ते रहता है, जापानीज येन 85-86 की तरफ बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो इस समय इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं है सिर्फ फ्लोस के बेसिस पे, मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। और साथ साथ में फ्लोस है तो साथ साथ में हमें रिडेम्पशन प्रेशर्स एंड आउटफ्लोज भी है मार्केट में, दोनों चीज़ को मैच करना पड़ेगा। हमारे फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स 5.6% एक्सपेक्टेड है, करंट अकाउंट डेफिसिट $150 बिलियन का है, तो आई थिंक अदर फैक्टर्स आर टू नेगेटिव एंड आई डू नॉट सी दैट रुपी शुड गो वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल कमजोरी की आशंका अधिक है, यानी अगर डॉलर बेचने हैं तो फिलहाल इंतजार कर लें थोड़ा, तो बेहतर प्राइस मिलेंगे, और अगर कभी भी रिकवरी आती है और अगर आपको डॉलर लेना है तो मौके का फायदा तुरंत उठाएं। जरूर, शुक्रिया अभिषेक आपका इस व्यू के लिए। 52 के लेवल अगले रुपी के लिहाज से वो बता रहे हैं जो कि काफी अहम होंगे, और ऑफकोर्स बजट और पॉलिसी पे सारे बाजारों की तरह फॉरेक्स मार्केट के भी नजरें टिकी हुई हैं। लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आगे जानेंगे बजट से ही इंडस्ट्री की उम्मीदें, ऑटो एंसिलरी सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, सोना कोयो के CMD सुरेंद्र कपूर होंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद।